अस्सलाम वालेकुम। तो भाई YouTube जो है ना वो एक पैसा छापने वाली मशीन है। अगर आप लोगों का सिर्फ ये सोचना है कि भाई जान YouTube के ऊपर हम वीडियोस डालते हैं और वहाँ पे व्यूज आते हैं, उसके ऊपर एड चलते हैं तो हमें एडसेंस से अर्निंग होती है, दैट्स ऑल, YouTube पे सिर्फ इतना ही होता है, तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। YouTube पे अर्निंग करने के एक नहीं, पाँच नहीं, दस नहीं, पचास तरीके हैं। लेकिन क्या है कि सिर्फ हमें थोड़ा सा लॉजिकल होकर चलना पड़ता है और थोड़ा सा ना स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। हमें एक तो होता है ना हार्ड वर्क, डोंकी वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क से आप लोग बहुत ज्यादा अर्निंग करते हैं और बिल्कुल शॉर्ट टाइम के अंदर। ऐसे ही एक आज स्मार्ट वर्क आप लोगों से शेयर करने के लिए जा रहा हूं, जिसके अंदर ना आपको खुद वीडियो बनानी पड़ेगी, ना आपका चेहरा आएगा, ना आपकी आवाज होगी, ना आपका कुछ होगा, ना ही आपकी वीडियो होगी, लेकिन अर्निंग बेतहाशा हिसाब के अंदर होगी। वाओ, इसके अंदर अर्निंग करने के दो से तीन से चार तरीके हैं। सारे तरीके इंशाल्लाह मैं आप लोगों को आज की एक ही वीडियो के अंदर समझा दूंगा। तो इस काम के लिए हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और काम देखते हैं कि कैसे होगा, और इसके बाद एक एक स्टेप आप लोगों ने कीनली ऑब्जर्व करना है। हो सकता है ये चीज़ें पहले आप लोगों ने कहीं देखी सुनी हो, लेकिन इस तरह से देखी सुनी नहीं होगी जिस तरीके से इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूँ। एक एक स्टेप आप लोगों ने गौर से देखना है, गौर से समझना है, और फिर इसमें डिफरेंट जो अर्निंग के तरीके हैं वो भी बताऊंगा। एक डायरेक्ट है, कुछ इनडायरेक्ट है, ठीक है। डायरेक्ट तरीके भी बताऊंगा, इनडायरेक्ट तरीके भी बताऊंगा। दोनों तरीकों से इंशाल्लाह आज आप लोगों को अर्निंग करना सिखाऊंगा यूट्यूब से, और बिल्कुल स्मार्ट तरीके के साथ। तो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और सारी डिटेल्स देखते हैं। इससे पहले अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबाओ भाई, एंड यू हैव टू डू इट, इसको जोर से दबाओ, ठीक है। और साथ बेल आइकन दबा के ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट करो ताकि इस तरह के आने वाले वीडियोस आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। जी दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने आना है YouTube के ऊपर। YouTube के ऊपर आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को जो आपके चैनल का आइकन नजर आ रहा होगा इसके ऊपर आप लोगों ने करना है क्लिक। नीचे आना है तो नीचे लोकेशन नजर आ रही होगी आप लोगों को, लोकेशन, ठीक है। यहाँ पे लोकेशन में पाकिस्तान नजर आ रहा होगा, यहाँ पे आप लोगों ने करना है क्लिक, और यहाँ पे आप लोगों ने सर्च कर लेना है यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, क्योंकि हमने ज़्यादा पैसा कमाना है। पाकिस्तान के अंदर रहेंगे तो कम पैसा कमाएंगे, तो यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक कर लेना है यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट के ऊपर आप लोग जैसे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो हमारा सर्वर है वो हमें सर्च रिजल्ट्स जो उठा के देगा वो हमें यूनाइटेड स्टेट के उठा के देगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज़ लिखनी है, आप लोगों ने लिखना है अमेज़न प्रोडक्ट्स, ठीक है। इसको देख के आप लोगों ने भाग नहीं जाना, बहुत स्मार्ट तरीका आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूँ, आप लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसने हमें सारी जो सर्च रिजल्ट्स उठा के दिए हैं ये इसने हमें USA के सर्वर से जो उठा के दिए हैं, जो कि मतलब कि एक्यूरेट हमारे सर्च के अंदर आ रहे थे, ठीक है। अब ये पहली वीडियो है, इसको आप लोग देखें फॉर एग्जांपल, ठीक है। इसके ऊपर 7 मिलियन व्यूज़ है, 1 ईयर अगो है, 10 मंथ्स अगो है, 1 मिलियन व्यूज़ हैं यहाँ पे है, तो 7 मंथ्स अगो है, 13 मिलियन व्यूज़ हैं यहाँ पे। इस तरह की आप लोगों ने वीडियोज़ उठानी है और इसको सीधा सीधा डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। ये एक वीडियो देखें, ये देखें साथ ये क्या लिखा हुआ है, लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये वाली वीडियोज़, इस तरीके की वीडियोज़ आप लोगों ने उठा लेनी है। उठा के क्या करना है, इनको कर लेना है आप लोगों ने डाउनलोड। डाउनलोड बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, आप लोग यूट्यूब की कोई भी वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मैं करना दिखाऊंगा यहां पे तो मुझे कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक आ सकती है, तो मैं ये काम नहीं करना चाहता। तो भाई सिंपल से काम क्या है, मैंने इसको डाउनलोड करता हूं फिर आपको दिखाता हूं। तो जैसे ही आप लोगों की वीडियो डाउनलोड हो गई, डाउनलोड होने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने आना है कैनवा के ऊपर, ठीक है। कैनवा के बिल्कुल फ्री वर्जन के ऊपर आना है, canva.com के ऊपर, ठीक है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार ये तो पेड वर्जन है, हमें यूज़ करना आता है। भजन अगर आप लोगों को आता है तो इस तरीके से नहीं आता होगा जैसे मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। और कुछ लोग अगर सोचते हैं कि ये बिल्कुल पेड है तो बिल्कुल भी पेड नहीं है, तो ये इसके जो फीचर्स फ्री हैं हमने फ्री फीचर्स को यूज़ करना है। कैनवा के ऊपर आना है आप लोगों ने, यहाँ पर आने के बाद ये सामने आप लोगों को वीडियो नज़र आ रहा है, वीडियो के ऊपर क्लिक करना है। वीडियो के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये आप लोगों को मोबाइल वीडियो वर्टिकल में नज़र आ रही है, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करने, अभी आप लोगों के जहन में एक और बात भी आएगी कि यार हमें इसके ऊपर कॉपीराइट ना लग जाए, तो उसका भी सलूशन बताता हूं ना आप लोगों को, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो यहां पे आने के बाद आप लोगों ने ये देखने लेफ्ट साइड के ऊपर आप लोगों को ये अपलोड की ऑप्शन नज़र आ रही होगी, ठीक है। अपलोड के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है, यहाँ पे ये कह रहा है अपलोड मीडिया या ड्रैग एंड ड्रॉप करें कोई फाइल, ठीक है। तो हम अपलोड मीडिया पे क्लिक करते हैं और उसके बाद जाते हैं अपने डाउनलोड्स के अंदर, और ये जो मैंने एक वीडियो डाउनलोड किया है इसको उठा के यहाँ पर अपलोड कर देते हैं, ठीक है। ये थोड़ी सी देर लगेगी और ये वीडियो जो है यहाँ पर मौजूद होगी, ठीक है। इसके ऊपर हमने ये जो डब्बा है इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो ये आप लोगों को इसे डिलीट करने की ऑप्शन दे रहा है और किसी में मूव फोल्डर करने की ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग इसको डिलीट भी कर सकते हैं, यहाँ पर ये तीन ऑप्शंस दे रहा है, यहां पे इसको आप लोग क्लिक करते हैं तो यहां पे आप लोग मूव टू फोल्डर भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसको अनचेक करना है, इसको ड्रैग करना है, उठा के यहां पे फेंक देना है, ठीक है। जैसे ही आप लोगों ने इसको उठा के यहां पे फेंक दिया तो यहां पे आप लोगों ने इस स्क्रीन, ये जो आप लोगों को एक वर्क प्लेस नजर आ रही है, इसके मुताबिक इसको एडजस्ट कर लेना है, ये देखें, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने इसको एडजस्ट कर लेना है और नीचे भी इसको थोड़ा सा यूं कर दें, इस तरीके से ये आप लोगों की बिल्कुल मोबाइल के फॉर्मेट के अंदर वीडियो बन जाती है। यहां पर
तरीके से करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने नीचे इसको ट्रिम कर सकते हैं। ये देखें, ये इतनी बड़ी है, इसको डिफरेंट मतलब कि इसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिखाए गए हैं, ठीक है। ये आप लोग इसको ये सीख करके आगे चलते जाते हैं, तो ये आप लोगों को बताते जाते हैं कि भजन इसके अंदर कितने कितने प्रोडक्ट हैं। तो एक एक प्रोडक्ट आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों ने ट्रिम कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये वाला एक प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर इसको आप लोगों ने ट्रिम करना है। जहाँ पे भी आप लोगों ने इसको स्प्लिट करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करें, यहाँ पे स्प्लिट करें। ये देखें, ये अभी मैं स्प्लिट करता हूँ तो वो पोर्शन जो है स्प्लिट हो जाएगा। ये देखें, इतना इतना आप लोगों ने प्रोडक्ट देखते जाना है कि भजन प्रोडक्ट एक एक प्रोडक्ट का आप लोगों ने निकालना है। ये एक प्रोडक्ट है तो यहाँ पर इसको रख के, ये सीख बार है, इसको यहाँ पर रख के, फॉर एग्ज़ाम्पल ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, ये यहाँ से, ठीक है, इसको राइट क्लिक करना है और इसको स्प्लिट कर देना है, ठीक है। तो ये एक प्रोडक्ट जो है वो स्प्लिट हो गया आप लोगों का, ठीक है। इस तरीके से करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, वीडियो ऐड भी कर सकते हैं। ये प्लस के ऊपर क्लिक करें तो वीडियो ऐड भी हो जाती है यहाँ पे। तो आप लोगों ने क्या करना है मेरी जान, आप लोगों ने छोटे छोटे क्लिप बना के 10 से 12 सेकेंड के क्लिप बनानी है आप लोगों ने, ठीक है। ये वाला एक प्रोडक्ट है, ये भी अच्छा है, तो हम इसको यहाँ पर रखते हैं और यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं और उसके बाद स्प्लिट कर देते हैं। तो ये देखें, ये एक पूरा हमारे पास ये बन गया, इसको भी डिलीट कर दें। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप को बता रहा हूं, इसको भी डिलीट कर देते हैं और इसको भी डिलीट कर देते हैं और इसको भी डिलीट कर देते हैं, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि हमारे पास अब एक ही प्रोडक्ट रह गए, ये वाला। आप लोगों ने इस तरह के 10-12 प्रोडक्ट निकाल लेने हैं। याद रहे कि एक दिन के अंदर आप 14 शॉर्ट्स अपलोड कर सकते हैं। तो ये करने के बाद आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, इसको ये शेयर का बटन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कॉपी लिंक भी हो जाता है और नीचे ये डाउनलोड की ऑप्शन भी आ जाती है। तो डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये कहेगा कि सेव डाउनलोड सेटिंग वगैरह वगैरह छोड़ें जो भी है और उसके बाद इसको डाउनलोड कर लें, तो ये आपकी वीडियो 1 मिनट के अंदर डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोगों की ओके हो गई। यहाँ आप डायरेक्ट लिंक से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं और ऊपर देखें तो आपकी MP4 वीडियो जो है ये डाउनलोड हो रही है जी। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारी वीडियो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई, टोटल 3.6 MB की बनी है हमारे पास, ठीक है। इसको हम शो इन फोल्डर करते हैं तो ये हमारे पास सामने ये वीडियो पड़ी हुई है। अच्छा, अब यहाँ पर हम आते हैं YouTube के ऊपर। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो जिस बंदे ने भी ये वीडियोस अपलोड की हुई हैं, फॉर एग्जांपल इसने की हैं, जिसने भी की हैं, फॉर एग्जांपल हम नीचे आते हैं और इसको देखते हैं, कोई एक ऐसा देखते हैं जो आप लोगों को बिल्कुल आसानी से समझ आ जाए, तो उसकी मैं वीडियो निकालता हूँ यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ। वैसे सारों ने यही काम किया होगा लेकिन मैं इसके ही दिखा देता हूँ। चलें, जो शुरू वाला है इसी का दिखाते हैं। इसका मैं ज़रा ओपन करता हूँ, इसको ज़रा क्लोज़ करता हूँ, पॉज करता हूँ और नीचे आता हूँ। तो यहाँ पर ये देखें, इसने जो जो चीज़ें, जो जो भी प्रोडक्ट इसके अंदर है वो बाय करने के आगे इसने एफिलिएट लिंक दिए हुए हैं अमेज़ॉन के, ठीक है। एक दिन, ये देखें, इसने 38 प्रोडक्ट्स के लिंक दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों ने क्या, अगर इसके ऊपर किसी के ऊपर भी हम क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली हम अमेज़ॉन के ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। तो इसने ये सारे अपने एफिलिएट लिंक्स दिए हुए हैं। यहाँ पे हम देखें, उसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ये देखें, ये इस चीज़ को ज़रा आप लोग समझें, ये जो आईडीज़ दी हुई होती हैं ये एफिलिएट लिंक की आईडीज़ होती हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम आते हैं तो देखें, तो इसने 38 प्रोडक्ट्स की यहाँ पे आईडीज़ दी हुई हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने ये करना है कि जब आप लोग एडिटिंग कर रहे होंगे यहाँ पर, ये देखें, जैसे आप लोगों ने एडिट किया, इसके अंदर कोई छोटे मोटे इफेक्ट्स डाल दें, शेप्स डाल दें, और यहीं पर ही अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर आप लोगों को प्लस की एक ऑप्शन मिलती है, इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर लिख दें कि बाय लिंक इन डिस्क्रिप्शन, ठीक हो गया। ये लिख दें और उसके बाद यहाँ पे कमेंट के ऊपर क्लिक कर दें तो यहाँ पे ही आप लोगों को ये लिखा हुआ आ जाएगा, या आप लोग मैन्युअली किसी वीडियो से कर सकते हैं, या यहाँ पे आते हैं तो टेम्पलेट्स के अंदर ये लाइन है, फ्रेम है वगैरह वगैरह, यहाँ पे आप लोग ऑडियोज़, वीडियोज़, टेक्स्ट वगैरह जो चाहें यहाँ पर, ये देखें, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, जो चाहें आप लोग टेक्स्ट यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें, कोई भी है इसको उठा के यहाँ पर डालें, यहाँ पर डालने के बाद आप लोग इसके अंदर एडिट करें। ये देखें, यहाँ पर ये लिखा आ गया, इसको डबल क्लिक करें, यहाँ पर आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं कि लिंक इन डिस्क्रिप्शन वगैरह 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 वगैरह, ठीक है, लिख के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने एक दिन के अंदर 14 शॉर्ट्स अपलोड करनी है। 14 शॉर्ट्स अपलोड करने का मतलब ये है कि आप लोगों की शॉर्ट्स के ऊपर तो आप लोग पहले से काम कर रहे होंगे, आपको पता है कि हज़ारों के हिसाब से व्यूज़ आते हैं। एक भी वीडियो आप लोगों का वायरल हो जाता है तो आप लोगों को पता है कि आप लोग जो भी अमेज़ॉन के एफिलिएट लिंक से आपके प्रोडक्ट को बाय करता है तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि 20-25% कमीशन आप लोगों को मिलता है इजीली, ठीक हो गया। बाकी अमेज़ॉन का एफिलिएट लिंक कैसे बनाते हैं, आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर बेशुमार वीडियोस मिल जाएंगी कि आप लोग कैसे अमेज़ॉन के ऊपर एफिलिएट अकाउंट बनाते हैं और एफिलिएट लिंक्स जनरेट करते हैं। इस तरीके से आप लोगों ने क्या करना है, प्रोडक्ट्स आप लोगों ने यहीं से उठानी है। जैसे आप लोग प्रोडक्ट्स उठाएंगे उसके अंदर थोड़ी बहुत एडिटिंग कर देंगे, कभी आप लोगों को कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगी, क्लेम आ जाता है, नो प्रॉब्लम, क्लेम की कोई टेंशन नहीं होती, क्लेम हज़ारों भी आ जाए तो कोई मसला नहीं है। कोशिश करें कि इसके पीछे बैकग्राउंड के अंदर यहाँ से म्यूज़िक उठाएँ, अपने डैशबोर्ड के अंदर जाएँ चैनल के,
यहाँ पे जाके जितने भी म्यूज़िक पड़े हैं यहाँ से म्यूज़िक डाउनलोड कर लें। म्यूज़िक डाउनलोड करने के बाद जब आप लोग यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे ये देखें, अपलोड्स के अंदर जाएं तो अपलोड्स के अंदर ये आप लोगों को ऑडियो की ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे आके आप ऑडियो अपलोड करें, ऑडियो भी उसके बैकग्राउंड के ऊपर लगा दें, ठीक हो गया, तो आपको कॉपीराइट क्लेम भी नहीं आएगा। तो एक दिन में आप लोगों को 14 अपलोड करने की ऑप्शन होती है, आप लोगों ने 14 की 14 अपलोड करनी है, वीडियो के अंदर मेंशन करना है अपने शॉर्ट्स के अंदर कि भाई लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, और डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों ने अपना एफिलिएट लिंक देना है। आप लोगों का एक वीडियो भी वायरल हो जाता है तो इसका ये मतलब है कि आप लोग हजारों डॉलर के अंदर खेलने वाले हैं। इसके साथ साथ दूसरा और तीसरा तरीका मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि आप लोग अर्निंग कर सकते हैं। दूसरा तरीका मेरी जान सिंपली ये है कि जब आप लोगों के कुछ प्रोडक्ट्स वायरल हो जाएंगे तो फिर कंपनीज आप लोगों को खुद कॉन्टैक्ट करेंगी और खुद आप लोगों को वीडियोस बना के देंगी कि आप लोग ये शॉर्ट्स बनाएं, ये अपने चैनल के ऊपर लगाएं और उसके एफिलिएट से अर्निंग करें। तो जब कंपनीज आप लोगों को खुद प्रोडक्ट देंगी तो वो आप लोगों को स्पॉन्सर प्रोडक्ट देंगी, तो एक एक वीडियो का आप लोग उनको बहुत ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं। तीसरा प्रोसेस यहाँ से अर्निंग करने का ये है कि भाईजान जब आप लोगों का चैनल वायरल हो जाता है, शॉर्ट्स वायरल हो जाती हैं, आप लोगों के अगर सब्सक्राइबर्स जो हैं वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो आप लोग एक पैरेलली 4-5 चैनल्स बना के उनके ऊपर ये काम स्टार्ट करें और आप लोग साथ साथ लाख सब्सक्राइबर्स वाला जो चैनल होता है वो आराम से आपका 5 से 6 लाख के अंदर बिक जाता है मार्केट के अंदर, तो आप लोग अपना चैनल सेल आउट भी कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके हैं जिनसे आप लोग बगैर वीडियो बनाए, बगैर कैमरे के सामने आए, बगैर अपना चेहरा दिखाए, बगैर अपनी वॉइस दिखाए, आप लोग यहाँ से ह्यूज अमाउंट में अर्निंग कर सकते हैं। तो होप सो ये आइडिया बिल्कुल नया होगा, बिल्कुल यूनिक होगा आप लोगों के लिए, तो आप लोग इसके ऊपर ज़रूर इंप्लीमेंट करेंगे और बहुत सारा पैसा कमाएंगे।